चैनल कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। कल मैंने भी थोड़ा बहुत सजावट की है घर में, पूरा तो अभी नहीं किया है बट थोड़ा बहुत किया है। अभी लिविंग रूम का एक पार्ट बाकी है, मतलब इधर टीवी यूनिट के पास का पार्ट बाकी है। इधर एंट्रेंस के पास डेकोरेट किया है, डाइनिंग टेबल को सेट कर लिया है, तो वही सब अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि कैसे क्या सजावट मैंने स्टार्ट किया है घर में करना दिवाली के लिए। और बैल्कनी में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अब कुछ नहीं करूंगी, बट वो नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ा। इसके दो कारण है, एक तो जो बल्ब्स हमने लगाए थे, जो ऐसे गोल वाले बल्ब्स थे, वो काफी भारी थे और उसको हमने लाइट्स के साथ ही लगा दिया था, तो जो हुक्स थे ना वो बार बार गिर जा रहे थे उसके वेट की वजह से। जो एक बड़े हुक्स आते हैं जिसपे आप 3-4 kg तक का वेट दे सकते हो, वो नहीं दे सकते थे क्योंकि वहाँ पे स्पेस ही इतना नहीं है, इतना चौड़ा ही स्पेस है, तो उसमें वो छोटे हुक्स ही लग सकते थे और उसपे इतना वेट हम नहीं दे सकते। इसके कारण से डेली सुबह में हम लोग देखते थे कि एक या दो ऐसे तार गिरे हुए हैं, तो वो जो लाइट थे गोल गोल वाले उसको हमने वहाँ से हटाया है, थोड़ा इधर पीछे किया है, जो उसको अलग से हुक्स पे डाला, जो 3-4 kg वेट जिस हुक्स पे डाल सकते हैं उस पे डाला है। उसके साथ क्या किया, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं उसके साथ जो आर्टिफिशियल पत्ते वगैरह होते हैं वो थोड़ा थोड़ा लगा दिया, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है वो। और मैं गई थी जब उस दिन वेस्ट जोन कुछ खाने पीने का सामान लाने, जिस दिन नवनिया के डांस क्लास हम लोग गए थे, तो मुझे वहाँ पे ये वाले दिखे थे, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स गार्लैंड, बहुत कम प्राइस में थे, ऐसे जनरली मिलते नहीं है यहाँ पे, 7 dirham, 8 dirham, इससे महंगे ही मिलते हैं। डे टू डे में तो मैंने कभी नहीं देखा है 10 dirham से कोई नीचे का, तो ऐसे मुझे दिखे तो उस दिन तो मैंने नहीं लिया था, फिर बाद में मैंने अनिमेश को भेजा तो वो लेके आए, तो हमने ज़्यादा ले लिया, ये तो बाद में भी यूज़ हो जाएगा, हमेशा यूज़ हो सकता है, तो ज़्यादा थे तो मैंने उसको बैल्कनी में भी लगा दिया। बैल्कनी मुझे तो अच्छी लग रही है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, कैमरे पर कैसा व्यू आता है मालूम नहीं, बट मुझे यहाँ से सामने से बहुत सुंदर दिख रही है बालकनी। तो जो भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन मैंने किया है मैं अभी आप लोगों के साथ दिखाती हूँ, और आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है, हमारी मेहनत सफल हो रही है या नहीं, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और आज मैं सेंटर टेबल, टीवी यूनिट, ये सब पे थोड़ा बहुत डेकोरेशन करूंगी और एंट्रेंस पे कर लूंगी, तो यही सब है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि दीपावली की साज सजावट कैसी चल रही है, कैसा क्या किया है। अनिमेश गए थे ये वाले ड्रेस लेके जो कल लेके आए थे, तो वही स्लीव्स वगैरह ठीक करवाने, तो शायद खो गया है। और ये लेके आए हैं, ये कल मैंने वेस्ट जोन में देखा था, ये ऑफर में थी, 3 dirham की थी ना, 2.75 की थी एक, तो ये बहुत सारे लेके आए, कहीं कहीं यूज हो जाएगा, कम में यहाँ पे मिलता नहीं है, 6 dirham, 7 dirham से ऊपर ही मिलता है, 10 dirham, 12, 15 ऐसे मिलता है, इसलिए मैंने ये ले लिया है फ्लावर्स वाले, कहीं ना कहीं तो यूज ही हो जाएगा। और इसका वेट भी ज़्यादा नहीं होता, तो कभी हमें इंडिया ले जाना हो तो हम वो भी कार्गो के थ्रू भेज सकते, इसीलिए सारी चीज़ें खरीदने से पैसे नहीं वेस्ट होते, सब सालों साल चलते हैं। अब मैं इसमें ये फेरी लाइट लगाऊंगी, इस गार्लैंड में मैं फेरी लाइट को इस तरह से रोटेट करके लगाऊंगी। डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा सजा लेते हैं दिवाली के लिए।
ये कंसोल टेबल विद मिरर है जिस पे मैंने अभी ये सारी चीज़ें रखी हुई है, तो कुछ चीज़ें मैं हटाऊंगी, कुछ चीज़ें रहने दूंगी। डेकोरेशन मेरी पूरी हो गई है इस एरिया की, तो मैंने एंट्रेंस के पास कंसोल टेबल सजाया और डाइनिंग टेबल सजाया और थोड़ा बहुत यहीं पे इस एरिया में सजाया है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। घर यहाँ तक सजा लिया है, मतलब इस एरिया को सजा लिया है। तो बैल्कनी में भी थोड़े बहुत चेंजेस और किए हैं, करना ज़रूरी था, वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। ये हमारा गेट है, तो गेट के बाहर अभी नहीं सजाया है। यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत कैंडल्स जला दिए हैं। ये जो कंसोल टेबल और मिरर है, तो यहाँ पे मैंने ये सारे जो मैं लेके आई थी स्टिकर दीप वाले, वो लगा दिए हैं। ये दोनों मेरे पास पहले से थे, ये भी मेरे पास पहले से थे, बुद्धा जी की स्टैचू, तो इसमें मैंने फूल रख दिया है। और ये जो उर्ली मैं 3 का सेट लेके आई थी, तो उसमें फ्लावर्स वगैरह रख दिए, दिए जला दिए हैं। ये मैं लेके आई थी जो एग्जीबिशन से, तो उसमें ऐसे कैंडल्स जला दिए। मैंने LED कैंडल्स का यूज़ ज़्यादा किया है, क्योंकि एक तो देखने में भी अच्छे लगते हैं, दूसरा बच्चे हैं घर में, तो इसीलिए फायर थोड़ा कम ही रखा है। और ये जो स्टैंड मैं लेके आई थी डेटिव डे से, तो उसमें भी ऐसे 3 LED कैंडल्स लगा दिए हैं। मिरर के चारों तरफ मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर गार्लैंड लगा दिया है, और ये फेरी लाइट भी लगा दिया, साथ में ये जो लाइट मैं लेके आई थी ये भी लगा दिया है, और इसके दोनों तरफ भी ये ऐसे टांग दिया है। ऊपर में मैंने जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स के पत्ते होते हैं वो लगा दिए हैं। ये मैं 3 तोरण का सेट लेके आई थी इंडिया से, तो एक मैंने यहाँ पे लगा दिया है। वही स्टिकर्स हैं जो लेके आई थी, तो उसको ऐसे मैंने रख दिया है। पीछे में भी मैंने एक गार्डलैंड रख दिया है, तो अच्छा लुक दे रहा है, वो फेस्टिव वाइब्स आ रही है। इंडिया से जो मैं ये लेके आई थी तोरण 3 के सेट का, तो एक यहाँ लगा दिया है। यहाँ पे मैंने हैप्पी दिवाली टांगा था, बट वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। ये जो इंडिया से मैं लेके आई थी ऐसे हैंगिंग वाले गणेश जी, वो लगा दिया है 2, एक यहाँ है यहाँ। ये मैंने कल बेस्ट जोन से मंगाया था, तो इसमें मैंने ऐसे फेरी लाइट को लपेट दिया, बहुत सुंदर दिख रहा है ये। मालूम नहीं कैमरे पर कैसा दिख रहा होगा, सामने से बहुत सुंदर दिख रहा है। और ये जो मैं एग्जीबिशन से लेके आई थी, तो एक मैंने यहाँ लगा दिया है और एक मैंने वहाँ लगा दिया है। उसके साथ भी मैंने दोनों तरफ वो आर्टिफिशियल फ्लावर गार्लैंड और फेरी लाइट को लगा दिया है। और उसके ऊपर जो डे टू डे से लेके आई थी, जो बर्थडे वाले सेक्शन में मिलती है, तो वो मैंने एक लगाया था, बट एक अच्छा नहीं लग रहा था, तो एक और मंगाया, तो 2 का सेट लगा दिया यहाँ और 2 वहाँ। और ये तो मेरे घर में बहुत टाइम से लगी हुई, मेरे पास पहले से थी, ये लेके आई थी दिवाली के लिए, तो ये लगा दिया। एक सोफ़ा मैंने उधर रख दिया था किसी कारण से, तो सोफे पे भी मैंने कलरफुल कुशन कवर्स लगा दिए हैं। डाइनिंग टेबल को भी सजा लिया है, तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं एग्जीबिशन से लेके आई थी, तो उसमें भी मैंने LED कैंडल ही डाल दिया है। ये मेरे पास पहले से हैं ये दोनों, और ये वही एग्जीबिशन वाली है ये दोनों। ये मैं डे टू डे से लाई थी ये कैंडल, और ये ट्रे मैं इंडिया से लेके आई थी, तो ये बोल मुझे डे टू डे में सेल में मिल गई थी, 2 दिराम की थी, तो मैंने 2 लिया था, तो इसमें मैंने ऐसे पानी रख के कैंडल डाल दिया है। साथ में मैंने इसके चारों तरफ ऐसे फेरी लाइट लगा दी है, जो कि इसके अंदर से होके आ रही है, तो अच्छा दिख रहा है सामने से। और
ये एक ट्रे जो मैं डे टू डे से लाई थी, तो उसमें मैंने ऐसे 3 ग्लास रखे हैं, 2 एक साइज़ के, एक अलग साइज़ की। इसके अंदर मैंने आर्टिफिशियल गुलाब रखा, जो मैं गुलाब लेके आई थी, मैंने दिखाया भी था जब मैं दीपावली का सामान दिखा रही थी उसमें, कि मैं रोज़ेस लेके आई हूँ कुछ कारण से, तो इसी के लिए लाई थी। उसमें से ऐसे पत्ते और ऐसे गुलाब निकाल के इसके अंदर भी रख दिया, इसके ऊपर LED कैंडल जला दिया है और साइड साइड में भी रख दिया है। ये जो फेरी लाइट है, इसकी बैटरी वगैरह छिपाने के लिए इसके अंदर फ्लावर्स और ऐसे पत्ते वगैरह रख दिए हैं। ये जो टेबल रनर है, मैं इंडिया से लेके आई थी, जो मेरे पास मैट्स थे, मैंने आपको दिवाली वाले सामान के साथ दिखाया था, तो वो मैट्स इस पे आ नहीं सकते थे, वो ज़्यादा लंबे चौड़े तो इस पे नहीं आ सकते थे, तो उसको मैंने नहीं डाला इसके ऊपर। और ये भी मैं इंडिया से लेके आई थी, और वहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स रख दिया है। इस तरह से मैंने अपना डाइनिंग टेबल भी दिवाली के लिए तैयार कर लिया है। डाइनिंग टेबल के पास ये जो बुफे यूनिट है, इस पे जो चीज़ें पहले से थी वही है, ये टेबल लैंप, ये फ्लावर वॉश, ये सब पहले से था, मैंने कुछ नया नहीं इस पे रखा है, सिर्फ ये जो मैं लेके आई थी वो रख दिया, और साथ में मैंने LED कैंडल इसके अंदर डाल दिया है। तो ये मैंने 4 लगा दिए हैं। ये मैट्स मैंने इसके नीचे रखा है, ये जो डे टू डे से लेके आई थी वो रख दिया है, ये मैं इंडिया से लेके आई थी वो रख दिया है। के पास में जो आप वो लाइट देख रहे हो, तो मेरे पास पहले से है, पेंटिंग्स वगैरह सब पहले से, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाया है। सोफ़ा जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किया है किसी कारण से, तो सोफ़ा है यहाँ पे। इस एरिया को मैंने अभी इतना सजाया है, और बालकनी सजाया है, बाकी अभी सेंटर टेबल, TV यूनिट वगैरह सब डेकोरेट करना बाकी है। अब मैं घर के सारे सीलिंग लाइट्स वगैरह बंद कर देती हूँ, टेबल लैम्प को मैंने जलते रहने दिया है, और कैंडल्स वगैरह सब जल रहे हैं, तो अब मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। अब चलिए बालकनी में चलते हैं, तो बालकनी में क्या क्या चेंजेस किए हैं वो आपको देख के समझ में आ जाएगा। बस आर्टिफिशियल गार्डन लगाया है मैंने वहाँ पे, और लाइट्स की पोजीशन थोड़ी सी चेंज की है। ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन है, यही नया लगाया है, ये देखिए। और ये जो घर पे लगाया था उसको यहाँ लगा दिया है, वहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा था। और यही बल्ब वाले लाइट्स की पोजीशन थोड़ी सी चेंज की है, इसको थोड़ा पीछे कर दिया है, और जो आर्टिफिशियल रोजेस थे और उसके साथ जो उनके लीव्स थे, कुछ तो मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया, कुछ यहाँ लगा दिया है, तो थोड़ा अलग लुक आ रहा है इसका।
बस यही दिवाली के लिए साथ सजावट चल रही है और इसी तरह से थोड़ा बहुत सजावट आज मैंने किया है। तो चलिए फिर गाइज आज की वीडियो यहीं पेंट करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। और अगर हमारी मेहनत के लिए एक लाइक अगर आपका मन करे देने का तो ज़रूर दे दीजिएगा। तो चलिए फिर गाइज आज की वीडियो यहीं पेंट करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।